जो देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमआरडीसी पुलिस के हाथ लगा सेंधमार, आज सिर्फ एक ही सेंटर पर 45 से अधिक वालों का वैक्सीनेशन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन शुरू, वितरण जल्द। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एमआरडीसी पुलिस के हाथ लगा सेंधमार, पिछले कुछ महीनों से सेंधमारी की वारदातों ने एमआईडीसी पुलिस का टेंशन बढ़ा दिया है। बढ़ती वारदातों के चलते डीसीपी जोन एक नरुल हसन ने एमआईडीसी पुलिस को किसी भी तरह आरोपी को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने अपने पंटरों को काम पर लगाया और सटीक जानकारी मिली। पुलिस ने इंदिरा माता नगर निवासी राहुल उर्फ बोकनेया काशीनाथ आकोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। उसने थाना क्षेत्र में 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। कुछ दिन पहले इंदिरा माता नगर निवासी पप्पू गोविंद राव ठाकरे के घर पर चोरी की वारदात हुई। पुलिस ने अपने खबरी को काम पर लगाया। जानकारी मिली कि राहुल पिछले कुछ दिनों से जमकर पैसे उड़ा रहा है। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान उसने पप्पू ठाकरे के घर में सेंध लगाने की जानकारी दी। पुलिस हिरासत से अधिक पूछताछ करने पर उसने आसपास के परिसर में 5 और वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। उससे 4,44,000 रुपए के जेवरात जब्त किए गए। उससे और भी मामले उजागर होने का अनुमान है। इंस्पेक्टर युवराज हांडे, दिनेश लबड़े, एपीआई रमेश हत्ती गोटे, एसएसआई राजराम डोरे, कांस्टेबल आशीष दुबे, योगेश बहादुर और योगिता राखड़े ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वही दूसरी ओर आज सिर्फ एक ही सेंटर पर 45 से अधिक वालों का वैक्सीनेशन। शहर में वैक्सीनेशन के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण 5 मई को मनपा के स्वास्थ्य प्रभाग राउत दट के महल रोग निदान केंद्र छोड़ अन्य केंद्रों पर 45 उम्र वालों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए मनपा द्वारा निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीनेशन जारी रखने की जानकारी मनपा में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग को वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन करने पर जो समय दिया जाएगा उसी समय वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने का आह्वान किया गया है, ताकि सेंटर पर भीड़ में शामिल होने से बच सके। मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, पांच पावली सूतिका गृह तथा आइसोलेशन अस्पताल इमामवाड़ा, इन 3 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो वही तीसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन शुरू, वितरण जल्द। कोविड संक्रमण के संकट के बीच खुश खबर है, वर्धा में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन शुरू हो गया है। इंजेक्शन के लिए आवश्यक मंजूरी भी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार बुधवार या गुरुवार से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और उसके बाद जल्द ही वितरित किया जाएगा। नागपुर व विदर्भ में कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल होगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंकडइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।